हेलो प्यारे बच्चे आप सभी कैसे हो मैं अनूसियाग आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ ब अनूसियाग में हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास प्लस वन का चैप्टर सेकंड आज हम उसका लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे आशा करते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट समझ लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनने थे वो कॉपी में अपने साथ के साथ कर रहे होंगे सेकेंड लेक्चर की तरफ पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेनी ज़रूरी है एक्सरसाइज में कैसी कैसी बातें होंगी कैसे कैसे हमने उसका सोल्यूशन करना है वैसे बेटा जो बातें हम टेंथ में करते आए थे अभी तक उनकी नेमिंग नहीं पता थी बस आगे उनकी नेमिंग रखते जाएंगे यहाँ पर अब हमारे पास एक पार्ट डोमेन है एक हम डोमेन कहते हैं एक को डोमेन कहते हैं डोमेन कहते हैं डोमेन का मतलब कोई भी वेबसाइट उसका डोमेन नेम होता है ठीक है डोमेन लिखा जाता है भाई स्पेसिफिक किस वर्ड से लेकर है तो एक डोमेन होता है और एक को डोमेन जैसे हमारे पास ये एक कोई भी नंबर है एक दो तीन चार पांच जैसे इसने ले लिया कि इसमें भी एक से लेकर सात तक के नंबर है एक्स में इसको हम एक्स बोले इसको वाई बोले एक से लेकर सात तक एक्स और वाई दोनों में सेम है ये बताएगा आपको ऐसे कि इसमें इतने सारे नंबर और इसमें इतने सारे नंबर हैं आप ए टू बी जा रहे हो या एक्स टू वाई जा रहे हो एक्स की वैल्यू रख रहे हो और वाई आ रहा है ए टू बी जाने का मतलब क्या होता है एक्स रख रहे हैं जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या है वाई है जैसे मैं एक इक्वेशन लेट करता हूं एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो है तो मैं यहाँ से बात करूँ x किसके इक्वल है टू वाई के इक्वल है तो मैं ये पता करना चाहता हूँ x टू वाई के इक्वल किस किस वैल्यू पे? जब मैं की जगह एक रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू ऐसा कर लेते हैं ये टू एक्स यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ठीक है मैं एक्स की वैल्यू एक रखता हूँ क्योंकि नंबर नेचुरल ना दोनों में एक्स की वैल्यू मैं एक रखता हूँ थोड़ा चेंज कर दिया बेटा मैंने टू एक्स माइनस वाई इजल टू जीरो तो टू एक्स किसके आ गया वाई एक्स की वैल्यू मैं एक रखूंगा क्यों रखूँगा बताया इसने एक्स एक से लेकर सात है तो मैं एक्स की जगह एक रखूँगा तो कितना आया वाई तो दो आया एक्स एक तो वाई कितना आया बेटा दो आया एक्स दो रखूँगा तो वाई कितना आएगा चार आएगा एक्स तीन रखूँगा तो कितना आएगा छः आएगा चार रखूंगा आठ आएगा लेकिन आठ है ही नहीं तो चार वाली वैल्यू मानी नहीं जाएगी चार वाली वैल्यू मानी ही नहीं जाएगी डोमेन में क्या होता है डोमेन में वो सभी एलिमेंट होते हैं जिनके वैल्यू पुट करने से रिजल्ट आता है, उनको डोमेन का हिस्सा बोला जाता है ये एक्स डोमेन नहीं है एक्स में तो बताए ये ये एलिमेंट है डोमेन क्या होता है दोज एलिमेंट विच गिव रिजल्ट वे वाले एलिमेंट जो आपको रिजल्ट देते हैं एक ने एक्स की वैल्यू एक रखने रिजल्ट दिया दो रखने ने रिजल्ट दिया तीन रखने रिजल्ट दिया चार रखने ने रिजल्ट क्यों नहीं दिया क्योंकि वाई की वैल्यू एट उठा ही नहीं सकते तो फोर जो जो वैल्यू रखी गई जो वैल्यू पुट की गई उनको हम सब उन वैल्यूओं को बेटा क्या कहते हैं डोमेन ठीक है डोमेन रखने के बाद दो तो जो रिजल्ट आया जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं रेंज और जो ये सारे एलिमेंट है इन सारे एलिमेंटों को जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं को डोमेन डोमेन जो वैल्यू पुट की पुट करने से रिजल्ट आता है तो वैलिड है अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो वो डोमेन से हट जाएगा ठीक है डोमेन नेम आपने किसी वेबसाइट का और का डोमेन नेम बोलते हैं जिस तरह ऐट द रेट जीमेल जीमेल डोमेन है उसकी कि भाई उसके रखने से स्पेसिफिक कोई रिजल्ट आएगा ठीक है डब्लू डब्ल्यू जो भी है इंडिया है या रिजल्ट डॉट इन ऑर्गेनाइज ओ आर जी लिखा होता है स्पेशल उनकी एक डोमेन होती है उसी तरह इसमें भी ये कहता है जिसके वैल्यू रखने से कोई रिजल्ट आएगा रखने से रिजल्ट आएगा डोमेन रिजल्ट आया वो हमारी रेंज में है जो सारे एलिमेंट है में ये तीन ही बातें समझनी है इनको प्लस टू में जाकर ऐसे भी पढ़ने लग जाते हैं वन की इमेज टू इसको इमेज बोल नहीं जाता वहां पे फंक्शन में जब पढ़ेंगे ये इमेज है और उल्टा बेटा टू इसको वन को बोलेगा ना ये पर इमेज क्योंकि रिलेशन दोनों सेम नहीं हो सकती एक को इमेज और एक को पर इमेज जैसे यहां पे तो चाइल्ड होते और यहां पे कोई फादर की सीरीज है ये इसको बाप बोलेगा वन टू को क्या बोल रहा बाप और टू वन को क्या बोलेगा बेटा बाप ही बोलेगा या और बोलेगा बेटा बोलेगा तो इधर से इधर जा रहे हैं तो इमेज और वापिस आ रहे हैं तो पर इमेज जैसे अगर चाइल्ड फादर का होता है ये वाली रिलेशन तो बेटा को शो करती है जब पुकारेगा उसको और ये वाला सी का ये तो क्या है बाप है पापा है और ये बड़ा इसका बेटा है तो दोनों रिलेशन अलग अलग है जाने का रास्ता अलग आने का रास्ता अलग है प्लस टू में हम इसको पढ़ेंगे इमेज और इसको क्या पढ़ेंगे बेटा पर इमेज यहाँ वन में भी मैं आपको बताऊंगा एक लेक्चर और बनाएंगे स्पेशल रिलेशन तो पढ़ रहे हैं जो फंक्शन में बताने से पहले प्लस टू का पार्ट भी बताया जाता है क्योंकि जैसे ही हम प्लस टू में पहुँचेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा वन में पढ़ा होगा वन में रिलेशन रिलेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेकिन हम आपको फंक्शन भी एक बेसिक लेक्चर में पढ़ाएंगे ठीक है तो समझ में आई डोमेन होता है एक नाम एक कोडोमेन होता है एक रेंज होता है तीनों नाम ही जरूरी है ऐसी इक्वेशन तो आप टेंथ से सोल्व करते आ रहे हो लेकिन इन इक्वेशनों का बेटा स्पेसिफिक कुछ ना कुछ जो रिजल्ट आता है जो वैल्यू रखी जाती है उनको डोमेन रखने के बाद जो जो आंसर आया उनको रेंज और जो सारे एलिमेंट है वो आपके पास क्या है को डोमेन अगर मैं यहाँ से पूछे कोई डोमेन क्या है तो डोमेन में बेटा एक दो तीन रेंज पूछी जाए रेंज में क्या क्या रिजल्ट आएगा दो चार छ और को डोमेन पूछी जाए एक दो तीन इस तरह सात तक हमारे पास रिजल्ट होगा आई बात समझ में ये कुछ बताएगा आपके पास क्या क्या एलिमेंट हैं तो तीन ही बातें समझनी है डोमेन रेंज को डोमेन तीनों का हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो वैल्यू रखते हैं डोमेन रिजल्ट आया वो रेंज और इस हिस्से के सारे एलिमेंटों को को डोमेन कहती हैं बड़े बेटा क्वेश्चन की तरफ आज के लेक्चर में मैं तीन क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर लेकिन आप बच्चों ने पाँच तक के अपने क्वेश्चन कॉपी में कंप्लीट करने हैं अभी तक जो वन के बच्चे हैं धीरे धीरे हमारे साथ आ जाएंगे कुछ बच्चे अभी पले इसमें सिलेबस में पीछे हैं बेटा तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं तब तक वो भी हमारे साथ साथ आ जाए जो बच्चे साथ के साथ जुड़े हुए हैं तीन या चार जिस तरह उनका भी सिलेबस साथ के साथ चलता रहेगा ठीक है जिसने बेटा ये चल रहा साथ में है ना हमारे पास और भी है प्लस वन के हैं जिस तरह तो आप प्लस वन का भी पढ़ सकते हो ये और लेक्चर हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक बनाया अगर वो कवर कर लिया तो बेटा और भी अच्छी बात है तो देखिए मेरे पास ए एक से लेकर फोरटीन तक है ए एक सेट है जिसमें एक से लेकर फोरटीन तक के एलिमेंट आपके पास है ए टू ए ये कह रहा है वैसे तो एक रिलेशन ए होती थी एक बी होती थी यहाँ पे बोला ए टू ए ही जाना है वेन डायग्राम बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ऐसे फोरटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन ठीक है ए टू ए ये भी ए है ये भी ए है इधर से इधर आना है ना इसको कहते हैं ए टू ए सोचना ए टू ए आर का मतलब रिलेशन आर का मतलब बेटा रिलेशन एक्स कोमा वाई जो एक्स है हमारे पास जो फर्स्ट हिस्सा होता हम उसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं वाई हम एक्स से किसकी तरफ जा रहे हैं वाई की तरफ जा रहे हैं और रिलेशन है थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू जीरो x, कोमा वाई इसने बोला एक्स वाई क्या है जो बिलोंग करते हैं a से कि मैं x, y किसको कह रहा हूं? जो a है जो a के एलिमेंट है ना इनको तो मैं x बोलता हूं और इन वालों को y बोलता हूं और रिलेशन में पहले x रखा जाएगा उसके वजह से y आएगा इसलिए ये रिलेशन ऐसे बोली जाती है रिलेशन क्या है संबंध यहां पर क्या रिलेशन दिए गए क्या संबंध दिए गए इसने बोला थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है जीरो ये एक रिलेशन दी गई है टेंथ में तो इनको इक्वेशन कहते थे लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन ये कहता, क्या रिलेशन है जिसकी वजह से आप कनेक्टेड हो इसने बोला 3x -y. 3x -y equal to 0, तो गया बेटा वाई एक्स की मैं वैल्यू क्या क्या रखता जाऊं वाई का रिजल्ट आता जाएगा पुट एक्स इज इक्ल टू वन तो वाई कितना है आपके पास थ्री पुट एक्स इजिकल टू टू तो वाई कितना आया सिक्स पुट एक्स इजिकल टू थ्री तो वाई कितना आया नाइन पुट एक्स इजिकल टू फोर तो वाई कितना आया ट्वेल्व पुट एक्स इजिकल टू फाइव तो वाई कितना आया फिफ्टीन विच इज नोट बिलोंग्स टू ए जो वाई है ए की रेंज से क्या हो गया बार हो गया तो क्वेश्चन हमें यहीं रोकना पड़ेगा पाँच से आगे नहीं बढ़ सकते तो हमने क्या क्या वैल्यू रखी बेटा एक दो तीन चार जो ये रखी ये तो हमारे लिए क्या है डोमेन हमारी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा जो वैल्यू रखी गई कहाँ तक वैलिड मानी गई फोर तक तो एक दो तीन चार ये हमारी डोमेन रेंज क्या आया रेंज क्या है हमारी रेंज क्या बेटा शाबाश थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व क्वेश्चन में पूछा गया है और को डोमेन क्या है को डोमेन सारे एलिमेंट होते हैं एक दो ऐसे ऐसे कहां तक 14 तक रिलेशन पूछा जाए रिलेशन क्या बनेगी फाइंड आर आर का मतलब रिलेशन ये बोल के चलेगा क्वेश्चन में स्पेशल आर इज रिलेशन अगर कहीं पर रियल नंबर आ गया तो रिलेशन को क्या पता आर वन से शो कर दे ऐसे बोलेगा इज रिलेशन क्योंकि क्वेश्चन में अगर दो आर आ गए एक आर रिलेशन के लिए हो सकता है एक आर बेटा रियल नंबर वास्तविक नंबर के लिए हो सकता है तो फिर दोनों को एक नाम से तो नहीं पुकार सकते एक को आर वन नाम दे देंगे और एक को आर दे देंगे क्वेश्चन वाला आपको पजल नहीं होने देगा ठीक है फाइंड आर फाइंड r आर रिलेशन अब रिलेशन क्या बनी हमने एक रखा तो तीन आया दो रखा तो छ आया और तीन रखा तो नौ आया और चार रखा तो बारह आया ये हमारे लिए बेटा किसका काम करते हैं रिलेशन का इनवर्स पूछ सकता है रिलेशन का इनवर्स उल्टा क्या होगा इसका उल्टा बता दो इसका हम बोलेंगे तीन का एक के साथ इधर से जब पड़े इसको इसको अगर रिलेशन बोल रहे हैं ऐसे और ये उल्टा चल पड़े तो इसको आर इनवर्स कहते हैं इनवर्स उल्टा तीन एक नौ तीन मैं आगे का कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा कई बार पूछ सकता आपसे इनवर्स में क्या करना है जो संबंध बना है उसी का उल्टा कर देंगे पहले ये पूछा बाप कौन कौन है ये रिलेशन था फिर पूछा बेटा कौन कौन है उसी का अपोजिट कर देंगे इसका, इसका बेटा ये इसका बेटा ये इसका बेटा ये उसी तरह रिलेशन ये थी एक की तीन के साथ अपोजिट कर देना तीन की एक के साथ दो की छः के साथ ही छः की दो के साथ बस यही आपके लिए किसका काम करेगा आर इनवर्स का काम है, करेगा आई बेटा बात समझ में डोमेन रेंज को डोमेन अलग, अलग अलग एलिमेंट भी पूछ सकता है डोमेन ये है रेंज ये है कोडोमेन सारे एलिमेंट है रिलेशन पूछे क्या वैल्यू रखी क्या रिजल्ट आया क्या वैल्यू रखी क्या रिजल्ट आया इस सारी को क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं कवर हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखिए ठीक है ना आप इसी तरह बना के चलना कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आर ऑन नेचुरल नंबर इसने बोला आर का मतलब रिलेशन यहां पर रिलेशन नेचुरल नंबर के ऊपर है कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो हमने यही सोचा स्टार्टिंग में आर एक्स वाई जो रिलेशन बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी एक्स कोमा वाई की वजह से बनेगी जो हमारे पास एक एक्स होता है और एक क्या होता है वाई होता है ठीक है रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर यहां पर भी सारे नेचुरल नंबर है यहां पर भी सारे नेचुरल नंबर है ठीक है ये देखो आर एक्समाई रिलेशन एक्स वाई की वजह से बनती है x कॉमा वाई पहले x रखेंगे फिर y जो आई उसी को हम रिलेशन कहते कैसे बनानी है y इज इक्वल टू फाइव एक्स एक्स प्लस फाइव ठीक है माइनस या प्लस देख लेना बेटा थोड़ा सा जो क्वेश्चन मंगवाए थे उसमें सो नहीं हो रहा था तो मैंने प्लस लेके चल रहा हूं यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर x एक नेचुरल नंबर है लेस देन फोर चार से छोटा x जो हमारे पास है नेचुरल नंबर एक दो तीन चार यही है बस इसने बोल दिया नेचुरल तो है लेकिन चार से छोटा तो आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है तो x की जगह मैं एक रखूंगा पुट x इज इक्वल टू वन तो y कितना आया सिक्स x इजिकल टू टू रखूँगा तो y कितना आएगा सेवन x इजिकल टू थ्री रखूंगा तो y कितना आएगा एट x इजिकल टू मैं फोर रखूँगा तो y कितना आएगा नाइन है सारे क्या नेचुरल नंबर रिलेशन पूछा जाए रिलेशन लिखूँगा मैं एक की छः के साथ है दो की सात के साथ है तीन की आठ के साथ और चार की नौ के साथ है ये हमारी रिलेशन है हमारे पास जो रिजल्ट आया ये क्या है डोमेन डोमेन क्या क्या है डोमेन एक दो तीन चार ये हमारा डोमेन है रेंज क्या है रेंज हमारे पास छः सात आठ नौ और को डोमेन सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे बेटा अच्छा एक बात और देखिए रिलेशन पूछ लिया रिलेशन हमने क्या कर दिया बता दिया जो ये फॉर्म है ना बेटा इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने रोस्टर फॉर्म जो फॉर्म आपको अलग से शो रिजल्ट को शो करती है उसको हम कैसी फॉर्म बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म कैसी फॉर्म बोलते हैं रोस्टर फॉर्म तो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म का काम भी करेगी तो क्वेश्चन ये भी कवर है क्योंकि बात ही तीन ध्यान रखनी डोमेन को डोमेन रेंज क्या वो रिलेशन बनी ठीक है ये जो नंबर रखे ये रिजल्ट आया एक छः के साथ दो सात के साथ तीन आठ के साथ चार नौ के साथ ये रिलेशन डोमेन ये जो वैल्यू रखी जो रिजल्ट आया वो हमारी रेंज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा थर्ड आज के लेक्चर में तीन क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन आप बच्चों ने पांच तक के अपने कवर करने हैं कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप बच्चे पूछ सकते हो ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वाले बच्चों को जोड़िए जो आपके साथ स्कूल में थे बेटा उनको भी अपने साथ जोड़िए वो भी अपना सिलेबस साथ के साथ करते रहेंगे बस आपने अपने चैनल का लिंक उनके पास भेजना है और वो भी हमारे साथ है, जुड़ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं लग रही बेटा उनकी ठीक है कोई भी बच्चा जुड़ सकता है कोई दिक्कत है, नहीं है ए हमारे पास एक दो तीन पाँच है बी चार छः नौ है बता दिया आर इज रिलेशन ए टू बी आर कहता है एक रिलेशन बनानी है ए और बी के बीच में तो मेरे पास ए क्या है एक दो तीन पाँच ये क्या है चार छ नौ रिलेशन आर इज रिलेशन ए टू बी ए से बी की एक रिलेशन बनानी है कैसे बनानी है ये क्वेश्चन वाला आपको बताएगा आर एक्स कॉमा वाई जो रिलेशन में बनेगी पहले एक्स लेना फिर वाई लेना है अब हमें ये नहीं पता इसने बोला है द डिफ्रेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है इज़ ओड वो ओड होना चाहिए चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो इसने बताया एक्स तो किन में से लिया गया है ए में से एंड वाई बिलोंग्स टू बी और वाई किस में से लिया गया है बी में से आर इज रोस्टरफॉर्म जो रिलेशन है वो किस फॉर्म में शो करनी है आपने रोस्टरफॉर्म यहाँ पर डोमेन रेंज आपसे नहीं पूछा गया ठीक है तो आपने बताना है ए टू बी ये हमारा ए हो गया ये बी हो गया ठीक है इस वाले एलिमेंट को हम एक्स कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं वाई क्यों इसने बताया एक्स तो ए से लिया गया है एक्स का मतलब वो एलिमेंट जो आप सेलेक्ट करोगे आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हो दो भी सेलेक्ट कर सकते हो तीन भी सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो जैसे ही मैं एलिमेंट एक सेलेक्ट करूंगा यहां से एक्स की वैल्यू वन और y की वैल्यू फोर तो मैं x माइनस वाई देखूं तो वन माइनस फोर माइनस थ्री विच इज ओड तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगी एक और चार रिलेशन का हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो ओड है माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर से फर्क पड़ता है अगर मैं एक्स की वैल्यू एक ही लूँ और वाई सिक्स एक्स एक वाई सिक्स तो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव एक और छः भी कैसा है आपके पास ओड है एक और मैं नौ की बात करूंगा तो कैसा आ जाएगा इवन वो नहीं लेंगे फिर दो की चार के साथ इसी तरह एक्स दो लें वाई ये कैसा नंबर है? ओड या इवन दो जैसे एक्स टू वाई फोर एक्स माइनस वाई बात करें टू माइनस फोर माइनस टू विच इज़ इवन। विच इज़ इवन या और लिख सकते हैं नोट ए ओड नंबर ठीक है एंड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो हम दो छः नहीं लेंगे दो चार नहीं लेंगे दो और नौ लिखेंगे दो कॉमा नौ क्योंकि डिफरेंस कितना रहा सात फिर तीन कोमा चार लेंगे तीन और चार से डिफरेंस एक आएगा तीन और छः से भी तीन आएगा तीन और नौ से छः आएगा वो नहीं आएगा फिर पाँच का चार के साथ लेंगे एक रिज़ल्ट फिर पाँच का छः के साथ लेंगे एक रिजल्ट पाँच का नौ के साथ नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंस कितना आएगा चार आएगा तो जो मैंने ये शो किया बेटा ये रिजल्ट शो किया इस रिजल्ट शो करने को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं रिलेशन भी कहते हैं ठीक है बेटा ये आपकी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिस बच जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आया बेटा वो सब्सक्राइब करना बेल आइकन को ऑन करना जैसे ही वीडियो उसके पास नेक्स्ट पहुँचेगी तो वो नोटिफिकेशन उसके पास ठीक टाइम पर पहुँचे जाएगी तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बेटा बाय बाय ओके बेटा